मिर्जापुर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पति की क्रूरता देखने को मिली है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। दरअसल दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद पति ने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। इस घटना में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मिर्जापुर के निबावल गांव निवासी रेखा के अपने पति से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी में पति गोपी ने आक्रोश में आकर घर की कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें रेखा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हमला करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले गई, जहां चिकित्सकों ने रेखा को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई थी। इस मामले पर सीओ दीक्षांत राज ने बताया कि आरोपी पति सनकी था, उसका इलाज चल रहा था। उसने घर में रखे कुल्हाड़ी से पत्नी के गले पर हमला कर दिया, तो वहीं अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।